नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। इस वक्त का जो समाचार आ रहा है वह पंजाब के अबोर से, जहां अपनी पत्नी पर शक के चलते एक व्यक्ति ने उसे मौत के घाट उतार दिया। गांव राजावाली में बीती रात एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के अवैध संबंधों के चलते कसी से उस पर हमला कर उसको मौत के घाट उतार दिया। इधर अल सुबह घटना का पता चलते ही थाना भाववाला की पुलिस और डीएसपी मौके पर पहुंचे और मृतका के शव को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाते हुए घटना में उपयोग की गई कसी भी बरामद कर ली। जानकारी के अनुसार 26 वर्षीय ममता पुत्री काशीराम निवासी गांव दौलतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ की शादी करीब 7 वर्ष पूर्व राजावाली निवासी विष्णु पुत्र लालचंद के साथ हुई थी। शादी के बाद उसके घर 2 बच्चों ने जन्म लिया। विष्णु के भाई महेंद्र ने बताया कि विष्णु को अपनी पत्नी का किसी से अवैध संबंध होने का शक था। इस बारे में कई बार पंचायतें भी हुई। महेंद्र ने बताया कि इसी बात को लेकर अक्सर ममता वे विष्णु में क्लेश रहता था। इसी से दुखी होकर बीती रात करीब 2 बजे जब ममता वे उसके बच्चे सोए हुए थे तो विष्णु ने ममता के गले पर कसी से 3 प्रहार कर उसको मौत के घाट उतार दिया। करीब 3 बजे जैसे ही घटना का पता चला तो आसपास के लोग एकत्र हुए, इसकी सूचना थाना भाववाला पुलिस को दी, जिस पर थाना प्रभारी जसकार सिंह मौके पर टीम सहित पहुंचे। परिजनों के आने के बाद मृतका के शव को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। बताया जाता है कि पुलिस को घटनास्थल से कसी भी बरामद हो गई है। ममता के 2 बच्चे हैं, जिनमें बेटा मोहित 4.5 वर्ष का और बेटी मनीषा 6 वर्ष की है। सूत्रों ने बताया है कि विष्णु ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। सूत्रों के अनुसार घटना के बाद विष्णु ने अपना गुनाह कबूल करते हुए खुद ही पुलिस को सरेंडर भी कर दिया। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.